कश्मीर में सर्दियों के दस्तक देते ही अपने हुनर से पेड़ के तनों को गूथ कर कश्मीर की वो पहचान तैयार की जा रही है जिसका इस्तेमाल सर्दियों में सबसे ज्यादा होता है। ये कश्मीर की न केवल पारंपरिक विरासत है बल्कि वो नायाब तोहफा जिसे हर कश्मीरी अपने साथ रखना पसंद करते हैं। तस्वीरें कांगड़ी की हैं जिसके आज भी कोई तोड़ नहीं, भले ही वो मुकाबला हीटर ब्लोवर से कर रही हो। कश्मीर में जिस तरह की सर्दियां पड़ती हैं उसमें ये कांगड़ी किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि माइनस डिग्री तापमान में ये ऐसा कश्मीरी हथियार है जो हर शख्स के जिस्म में लैस होता है। इसकी मौजूदगी सर्दी से लड़ने की ताकत नया जज्बा देती है। दिन हो या रात, आसमान से बरसती सफेद आफत का मुकाबला इसी कांगड़ी के बूते किया जाता है और इसे बनाने में कितनी मशक्कत होती है इसकी वानगी आपके सामने है। हालांकि बिजली पर बढ़ती निर्भरता ने कांगड़ी के कारोबार को कहीं ना कहीं कमजोर किया है, लेकिन यहाँ के लोगों का हौसला नहीं टूटा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद कश्मीर में अब सर्दी के मौसम ने दस्तक दी है और जाड़े का मौसम शुरू हो गया है। इस बीच ठंड में भी इजाफा हुआ है। कश्मीर में सदियों से ठंड से बचने के लिए कांगड़ी का इस्तेमाल होता है, भले ही कितने भी इसके और ठंड से बचने के तरीके आए, लेकिन कश्मीर में कांगड़ी का न सिर्फ रिवाज है बल्कि ज़रूरत भी, क्योंकि सर्दियों के दौरान ना ही बिजली होती है ना ही चलने फिरने के लिए लोगों में उतनी हिम्मत होती है, तो उस बीच कांगड़ी जो है वो ठंड से बचने का नायाब नुस्खा है। अब कांगड़ी एक उद्योग की शक्ल भी ले रही है। कश्मीर में कई गांव हैं जहां कांगड़ी बड़ी संख्या में तैयार होती है। इलाके के बुजुर्ग बताते हैं कि यहां की बनी कांगड़ियां सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि देश के उन हिस्सों तक पहुंचती है जहां कड़ाके की ठंड पड़ती है। ये कांगड़ी तकरीबन आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान में तकरीबन सब जगह में ये पहुंचता है। यहां श्रीनगर में, यहाँ कलारूस कोलनगाम है। नवंबर के शुरुआती हफ्ते में जिस तरह से ठंड पड़ना शुरू हुई उससे कांगड़ी बनाने वालों को नई उम्मीद जागी है कि इस बार कांगड़ी का कारोबार और बेहतर होगा। हम इस ओके गांव में आए हैं, यहाँ पे हम ये कांगड़ी लेने के लिए आए हैं क्योंकि हम भी अपने कश्मीर में ये सप्लाई करते हैं, क्योंकि इस कांगड़ी में इस साल डिमांड अच्छी है क्योंकि इनको भी फायदा आना चाहिए, क्योंकि पिछले साल इनको भी बेचारों को घाटा पड़ गया इस कांगड़ी में, क्योंकि मौसम भी अच्छा रहा पिछले साल, इस साल मौसम मेरे ख्याल से सर्दी है, इस साल बहुत अच्छी, इनको भी इस साल इंशाल्लाह अच्छा ही मिलेगा। कांगड़ी का यह कारोबार कश्मीरियों में नई उम्मीद जगा रहा है, यही वजह है कि इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले का वक्के गांव कांगड़ी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर रोजाना करीब 5,000 कांगड़ियां यहाँ के कारीगर तैयार करते हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग बाजारों में पहुंचकर लोगों तक पहुंचती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।